पढ़ाई तो ना लग रही, कुछ और ही लग रहा है। चल देखता हूँ। छोटे, क्या छुपा रहा है? क्या 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 छुपा रहा हूँ मैं? क्या छुपा रहा हूँ? कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ मैं। कुछ भी नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या है? अच्छा, धारी नाग एक रहस्य है। छधारी नाग के लक्षण। अरे, तूने नागों के स्कूल में दाखिला ले लिया? मुझे बताए ना। अरे भाई, मैंने किसी स्कूल में कोई दाखिला लिया ही नहीं है। तो फिर किताब कहाँ से आ गई? और ये लाल डायरी में क्या लिखा है तूने किताब में से? ए, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? तू इच्छाधारी नाग बनने की सोच रहा है? छोटे, ये तो घनी गड़बड़ हो जाएगी। वहां पिताजी नागों के दुश्मन बने हुए हैं और तू इच्छाधारी नाग बनना चाहता है। अरे भाई, अगर मैं इच्छाधारी नाग बन गया तो उससे पिताजी का ही काम तो आसान होगा। नाम आसान हो जाएगा? अरे उनका नाम तो वैसे ही आसान है, खड़क एक सांस में ले सके, और क्या आसान करेगा तू? अरे नाम नहीं भाई, काम। मैं समझाता हूँ आपको, पिताजी क्या है? पता ना। अरे इंसान है इंसान, क्या हो गया आपको? हाँ, तो पिताजी कितना भी जोर लगा लें, कभी भी उस नाग को पहचान ना सकते जिसने पिताजी के पिताजी की जान ली थी। लेकिन अगर मैं इच्छाधारी नाग बन गया तो उसी कातिल नाग के मोहल्ले में घुस के उसे बड़ी आसानी से पहचान सकता हूँ। अच्छा, और ये किताब पढ़ के तू इच्छाधारी नाग बन सका है? अरे इसमें कोई नुस्खा लिखा है क्या? अरे नहीं भाई, इसमें तो सिर्फ इच्छाधारी नागों के लक्षण लिखे हैं। मैं उन लक्षणों को अपने अंदर ढालूंगा और खुद एक इच्छाधारी नाग बन जाऊंगा। अच्छा, ऐसे नाग बन सके हैं? अरे कोशिश करने में क्या जा रहा भाई, अगर पूरा नाग ना भी बना, आधा अधूरा नाग तो बन ही जाऊंगा ना मैं। ये भी सही है, तो एक काम करते हैं, दोनों इच्छाधारी नाग बन जाते हैं, वो है ना, एक से भले दो। तू ना पहचान पाया तो मैं पहचान लूंगा, मैं ना पहचान पाया तो तू पहचान लेगा, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। बहुत सही आइडिया भाई। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं नागों के लक्षण पढ़ता हूँ, फिर हम वैसे वैसे करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, लाओ 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 लाओ, मेरे को दिखाओ। हाँ, ये जो इच्छाधारी नाग होते हैं ना भाई, इनकी जीभ बहुत लंबी होती है और लपलपाती रहती है। हैं? निकालो। क्या? जीभ निकालो, बाहर निकालो। हाँ, और निकालो निकालो निकालो, बाहर निकालो बाहर। ऐसे तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, गुस्सा मत हो, इतनी लंबी जीभ से हम काम चला लेंगे। मैं आगे पढ़ता हूँ, ठीक है भाई। ये जो इच्छाधारी नाग होते हैं ना, ये अपने शरीर की हड्डियों को तोड़ मरोड़ के अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं। क्या? सिकोड़ लेते हैं। तो ये हमसे हो पाएगा कि छोटे? भाई कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, पिताजी की मदद करनी है ना। ठीक है भाई, अच्छा जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे ही आप भी करना, ठीक है? एक मिनट। वेरी गुड, सिकोड़े। हाँ, अब देखो क्या करना, मैं आपको समझाता हूँ। ये नीचे वाला जो है ना हिस्सा आपका, हाँ? सिर्फ इसको घुमाना है ऐसे। अच्छा। हाँ घुमाओ। नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला हिलाना नहीं है, सिर्फ नीचे वाला हिलाना है। हाँ हाँ, हिलाओ 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 हिलाओ। जीभ भूल रहे हो आप, जीभ बाहर निकालो। हाँ, अब जीभ लपलपाते हुए नीचे का हिस्सा घुमाते हुए अपना फन उठाओ। उठाओ? अरे फोन उठाओ नहीं, फन उठा, फन उठाओ। फन? हाँ उठाओ, उठाओ, लपलपाओ लपलपाओ, घुमाओ और उठाओ। हाँ, हंसते हो ना? हाँ, अब मैं पीछे पीछे आओ, ठीक है? आगे आगे, शकल में गुस्सा, शकल में गुस्सा। आगे आगे, पीछे पीछे। आज मेरे मना करने के बाद भी बब्बल के पिता नेवला लेने गए थे। बड़ी सिद्धि इंसान है, अब तक तो वो नेवला लेकर आ भी गए होंगे। इसका मतलब हमारी इच्छा वहाँ। बाकू क्या हुआ, तेरी फुफकार इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है, और फन पे परेशानी, कुछ हुआ है क्या? इच्छा तो ठीक है ना बाकू, आज उसके ससुर घर पर नेवला लाने वाले थे, क्या उन्होंने कुछ? नहीं, वो नेवला नहीं लाए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत ले आए हैं अपने साथ। कैसी मुसीबत? वो सपेरन नागंजना देवी, वो आई है इच्छा के घर पर। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो तो आग में जल गई थी ना? नहीं, उस आग में वो मरी नहीं थी,
उसने मरने का सिर्फ नाटक किया था। इसका मतलब इच्छा और बबल दोनों की जान खतरे में है और हमारे नागिस्तान पर भी खतरा कायम है। वाकू, तू वहां वापस जा, वहां के हालातों पर नजर रख और अगर इच्छा को हमारे मदद की जरूरत पड़ी तो तुरंत खबर करना। ठीक है मुकेश। क्या? अरे छोड़ ना, तू अब मुझ पर हमला करना नागिन। हमला करूं? हाँ। कैसे? अरे ऐसे। चंचल प्यार नहीं करना, हमला करना है, हमला। गुस्से में शाबाश। नागिन, तू मुझे डसना चाहती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजीब अजीब, ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या बताऊं इच्छा, यहाँ इच्छाधारी नागिन को पकड़ने की प्रैक्टिस हो रही है। पागलपन का एक और दौरा पड़ा है इन्हें। पागलपन नहीं है यो, ये जुनून है, जुनून। अपने पिता के हत्यारे को खत्म करने का जुनून मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब वो इच्छाधारी नागिन मेरे सामने आएगी तो मैं उसे कैसे मारूंगा? नहीं नहीं, मारूंगा नहीं, उसको तो मैं पकड़ूंगा। लेकिन पिताजी, आपने उस नागिन को न देखा है न समझा है, बिना देखे समझे आप उसे अपना दुश्मन मान बैठे। हो सकता है वो नागिन इस जन्म में अच्छी हो, आप सबका भला चाहती हो, आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो, क्या तब भी आप उसे अपने घर में जगह नहीं देंगे? कैसी बेतुकी बातें कर रही है छोरी। अरे इंसानों से भरा पूरा परिवार है हमारा, हम नाग को हमारे घर में जगह क्यों देंगे? इच्छाधारी नाग इंसानी परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते दादी? इच्छाधारी नाग इंसान का रूप लेकर तो इंसानों के साथ रह सकते हैं ना? नागों के साथ रहना? कैसे? नाग तो कितने खतरनाक होते हैं। नहीं माँ जी, नाग तो बड़े ही शांत और प्यारे होते हैं। हाँ कुछ नाग बुरे भी होते हैं, लेकिन अच्छे बुरे लोग तो इंसानों में भी होते हैं ना। ऐसे में हम क्या करते हैं, अच्छों को अपना बनाते हैं और बुरों से रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐसा ही फर्क हमें नागों में भी करना चाहिए। जो अच्छा है उसे पकड़ने की सजा देने की जरूरत ही नहीं है। अब कौन और कैसे पता लगाएगा कि कौन सा नाग अच्छा है और कौन सा बुरा? रही बात खड़क की, इसे तो अपने पिछले जन्म के पिताजी के हत्यारे नाग से बदला लेना है, तो लेने देना। अगर एक नाग के पकड़े जाने से इसके मन को शांति मिलती है तो इसमें बुरा क्या है? बुरा है दादी, किसी के भी पिछले जन्म के कर्मों की सजा उसे इस जन्म में नहीं दी जा सकती। हर एक को अपनी जिंदगी जीने का हक है, उसे पकड़ के या उसे सजा दे के। देख छोरी, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि नागों के प्रति तुझे घना प्रेम है, ये प्रेम तू अपने तक ही रख। अब बहस यही खत्म कर और जा नागंजना देवी को चाय दे दे। जा। वैसे तुम इच्छाधारी नागने उतनी बड़ी सुंदर हो, तारी यही सुंदरता मने घनी भाती है, इसलिए तो थारे नागिस्तान पर राज करना है मने, ताकि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। अति लड़ाई तो तू पहले ही हार चुकी है, जिस पति को बचाने के लिए तूने मारे सामने अपने जान की बाजी लगा दी थी, थारा वही पति अब मने मारी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब सगे रिश्तों पर बात आती है ना, तो प्यार का रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। छोरी, तने सुनने में शायद बुरा लगेगा, लेकिन थारा प्यारा बब्बल अब मारी मदद करने को तैयार हो गया है। क्या? सही कह रही है वो।
नागिस्तान कराकर दिखाने ले जा। बबल जी आप ये नहीं, बबल जी आप ऐसा नहीं करेंगे। करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और कोई चारा नहीं है मेरे पास। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी के साथ जो किया उसके बाद तो मैं। नहीं बबल जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं। अच्छा, अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। नागंजना चलो। नहीं बबल जी, आप मेरी बात सुनिए, हम एक बार फिर पिताजी से पूछते हैं उन्हें किसने मारा है। और उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए बात आईने की तरह साफ है, अच्छा इसलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं बाबा जी, आप नागिस्तान को खतरे में नहीं डाल सकते। आप भूल रहे हैं, हम उन्हें वचन देकर आए। वचन? तुम्हारे पिता नागिस्तान से ही है ना। अगर वो अपनी मर्यादा भूल सकते तो मैं भी अपना वचन तोड़ सकता हूँ। अब समय आ गया है इच्छा, मैं या तुम्हारा परी, हम दोनों में से किसी एक को चुनना है तुम्हें। आपको शायद मेरे जवाब से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इस सपेरन की बातों में आकर मुझे मेरे नागिस्तान को खतरे में डाल सकते हैं। तुम्हारे नागिस्तान की परवाह तुम करो, मुझसे उम्मीद मत करना। तुम्हारे पिताजी की करतूत के बाद मुझे नागिस्तान और नागिस्तान वासियों से कोई हमदर्दी नहीं। मैं नागंजना को नागिस्तान पहुंचा कर रहा हूं। ऐसा मत कहिए बबल जी। ओ इच्छा, इच्छा ले, तू यहां है और मैं कब से आवाज दे रहा हूं तुझे। अरे छुरी देखो, पूजा का सामान आ गया है, तू जरा रखवा दे कमरे में। मारी हालत तो तू देख ही रही है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं। तू मदद कर देगी तो अच्छा हो जाएगा। यकीन ही नहीं होता कि बबल जी ऐसा मुझे नागिस्तान तक खबर पहुंचानी होगी। बाकू, हाँ बाकू को बुलाती हूँ, बबल जी को रोकने में उसकी मदद हो जाएगी। क्या सोचने लगी छोरी, हमारे पास समय कम है, चल आ जा। पिताजी आप जाइए, मैं अभी आई। ठीक है, जल्दी आ जाना है। क्या मुसीबत ये। बाकू, बाकू कहाँ है तू, जल्दी से आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। अरे बाकू कहाँ है तू, जल्दी आ जा बाकू, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बाकू कहाँ रह गया, ये नागों में देख, ये कैसी परीक्षा है, बाकू से भी संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं। नहीं, खड़े खड़े इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, कहीं बबल जी उस अपेरन के साथ नागिस्तान पहुंच गए तो अनर्थ अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मुझे खुद जाकर बबल जी को रोकना होगा। आजा छोटे, आजा जल्दी, आजा 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 आजा। भाई क्यों बुलाया मेरे को? मैंने इच्छाधारी नाग बनने का पूरा इंतजाम कर लिया है। क्या? नागिन डांस, अब इस पे दो नाग थिरकेंगे। वाओ भाई,
नागंजना देवी, मैं आपको नागिस्तान तक तो ले जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? एकदम सीधी सादी बात है, आपका काम हो जाने के बाद आप मुझे या मेरे परिवार को कभी परेशान नहीं करोगे। आप मेरे घर की ओर कभी मुड़कर भी नहीं देखोगी। ना ना छोरा, जो मैं पाना चाहती हूँ उसे पाने के बाद वापस आने की कोई वजह ही ना रहेगी। ठीक है, चलिए। चल। अरे भाई, ये क्या है ये? अरे इतनी इतनी कसरत तो हम कुश्ती करते भी नहीं करते। इच्छाधारी नाग बनना आसान ना है। एक बात कहूं छोटे, मुझे लगता है ये नागों में हड्डियां वड्डियां नहीं होती, तभी तो इतने लचीले होते हैं। मतलब अब हमें लचीला बनने के लिए अपने शरीर की सारी हड्डियां निकाल कर फेंकनी होंगी? हैं, हड्डियां सेकनी होंगी? अरे वो जलना जाएंगी। अरे भाई, सेकनी नहीं, हड्डियां निकाल कर फेंकनी होंगी। अरे वो तो इच्छाधारी नाग बनने के चक्कर में वैसे चू चू होके निकल जाएंगी। क्या कहते हो भाई, और फीलिंग लेनी है नाग बनना है? और नहीं हो गया मेरे बस की ना। मैं तो कहता रेस्ट कर लेते। ये रहा नागिस्तान का द्वार। ये नागिस्तान है सच में? कैसे मान लूं मैं? दरवाजा देख रही हैं आप? आपने इससे पहले कभी ऐसा कोई दरवाजा देखा है? नागंजना नाम है मारा। बिना तसल्ली के तो मैं अपने बाप की भी बात नहीं मानती। मारे साथ साथ तने भी अंदर आना पड़ेगा। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। अगर नागिस्तान वासियों को पता चल गया कि मैं आपको यहां तक लेके आया हूं तो वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे आपको नागिस्तान तक पहुंचाना था, वो मैं कर चुका हूं। अब इसके आगे आप जाने। देख चोरा, चुपचाप मारी बात मान ले, वरना मैं तने घसीट कर ले जाऊंगी। रुक जाओ। बब्बल, ये क्या किया तुमने? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.